जी हाँ जी हाँ जब शुरू करेंगे तो क़िबले की तरफ, उसके बाद वो कहाँ जाता है उससे हमें मतलब नहीं। अच्छा 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 हाँ बस में वैसा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको कि जब आप शुरू किए थे नमाज तो, लेकिन उसमें एक ही डायरेक्शन में बैठना होता है, ये कहना चाह रहा है ना। जब वो एरोप्लेन जब रहता है अपने उस पर, तो उसमें आप हरकत कर सकते हैं, किसी तरफ भी मुड़ सकते हैं, जा सकते हैं। वो सिर्फ ऊपर जाने और नीचे उतरने के टाइम में ही आपको बेल्ट लगाने के लिए कहा जाता है, यानी उसको आपको बांध के रखना पड़ता है। बकिया अवकात में तो आपको आज़ादी होती है ना कि आप जो हो सकते हैं। तो जब आप शुरू करें नमाज, पहले तो पढ़नी नहीं चाहिए उसमें नमाज, यानी कोशिश ये करनी चाहिए कि शरीयत की तरफ से जो आसानी है दो नमाज़ें इकट्ठे पढ़ने की, जब दो नमाज़ें इकट्ठे पढ़ते हैं तो हमको काफ़ी टाइम मिल जाता है, लंबे सफ़र में भी काफ़ी टाइम मिल जाता है हमको नमाज के ताल्लुक से। तो जब आपका कहीं भी लैंड करता है उस वक्त आप नमाज़ पढ़ लेंगे, उसके लिहाज से दो नमाज़ें एक साथ पढ़ने में। अगर ऐसा नहीं है, कभी बाज़ जो हैं ऐसे कि बहुत दूर का सफ़र हो जाता है, काफ़ी लंबी मसाफत, काफ़ी घंटे जो है वो आपको उसी में रहना पड़ता है और लगातार चलता ही रहता है, उड़ता ही रहता है वो और रुकता नहीं है, कहीं भी उस लैंड करने का मसला ही नहीं आता, ऐसे भी हैं जो है, तो उस सूरत में आप जब ऊपर रहते हैं, क्योंकि जब ऊपर रहता है तो हरकत करने की आपको इजाज़त होती है, उसके लिहाज से कुछ जगहें हैं उसमें जहाँ आप जा सकते हैं, जा सकते हैं, वहाँ बारी बारी लोग चाहें तो नमाज भी पढ़ सकते हैं। अगर आप उनसे एयर होस्टेस से मालूम कर लें जो वहाँ पे हम जो है नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, वो पूछ करके वहाँ पे जो है आप नमाज़ पढ़ लें, तो उसमें ख्याल शुरू में करेंगे सिर्फ कहाँ कहाँ जो है क़िबला है, उसके बाद अगर डायरेक्शन बदल जाता है तो कोई मसला नहीं, हमारी नमाज जो है सही हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा है कि कोई जगह नहीं है, हमने अपनी तरफ मालूम करके देख लिया कहीं कोई जगह नहीं है, अगर हम नमाज़ पढ़ सकते हैं तो उसी कुर्सी पर जिस पर हमारी जो सीट है उसी सीट पर बैठ के नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो फिर आप जिस साइड में भी हैं आप उसी तरह से नमाज़ पढ़ लें। ये आखिरी हद है, ठीक है ना, लेकिन इसको पहला समझ के नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, अगर हम वैसे नमाज़ पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, लेकिन कुछ भी नहीं है तो फिर जिधर भी आपका चेहरा आए उधर नमाज़ पढ़ लेंगे, नमाज़ हो जाएगी। जी जी मैं कभी अभी जो है अभी आपने कहा तो मुझे एक चीज़ याद आ गई, जब मैं दाखिल हुआ था तो मैंने कई बच्चे देखे थे, आज कई बच्चे जो है देखे, तो मुझे एक वो मुहद्दिसीन का एक तरीक़ा याद आया, मुहद्दिसीन के यहाँ हदीस हासिल करने का एक तरीक़ा था कि जो लोग भी मजलिस में हाजिर होते थे हदीस में, मुहदिस जो है वो हदीस बयान कर रहे हैं, बकिया सब लोग सुन रहे हैं या कोई पढ़ रहे हैं और वो जो है सुन रहे हैं, तो उसमें जब हाजिर होते थे तो बच्चे भी हाजिर होते थे। आपको ताज्जुब होगा कि बच्चे भी, वो भी 4 साल तक के बच्चे भी उसमें, उतना था कितने साल के, 4 साल तक के बच्चों के भी हाजिर होने की बात उसमें, कि अगर बच्चा इतने साल का है तो वो लिखते थे कि बच्चा उहज़िरा फिल मजलिस, जितने लोग भी आते हैं मजलिस में उन सबको कहा जाता है मुहद्दिसीन के यहाँ कि इन्होंने ये हदीस इस शेख से सुनी है, लेकिन अगर बच्चा है तो बच्चे ने भी सुनी है, तो बच्चा जो कि 4 साल की उम्र का बच्चा है, तो कहते थे कि उस बच्चे के लिए लिखते थे किताब में कि उहज़िरा फिल मजलिस, यानी इसको मजलिस में हाजिर किया गया, समय बोल के नहीं लिखते थे, समय का मतलब हो जाता है कि उसने हदीस सुनी, अब वो रिवायत करेगा तो रिवायत सही मानी जाएगी, और उहज़िरा का मतलब होता है कि अगर ये रिवायत करेगा तो रिवायत सही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसको हाजिर किया गया था मजलिस में लेकिन अभी उस उम्र में नहीं था जिस उम्र के बच्चे की अगर वो सुन लेता है और हदीस को याद करता है तो उसकी हदीस हम ले सकते हैं, उस उम्र को अभी नहीं पहुँचा था। तो कोई ऐसा मसला नहीं होता है, मुहद्दिसीन के यहाँ भी तरीक़ा ये रहा है कि मजलिस में वो लोग बच्चों को भी लेकर के
आ जाते थे, बच्चे कभी थोड़ा बहुत परेशान भी कर देते हैं तब भी उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया जाता है। मस्जिद का भी यही मामला है कि मस्जिद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी अपने भांजे और भांजी को लेकर के आ गए, कभी आप मौजूद थे तो वो लोग आ गए। औरतें जो आती हैं, औरतों के जो नमाज में आती थी तो औरतों के दूध पीते बच्चे भी उनके साथ होते थे, वो लेकर के आ जाते थे। तो ये सब चीज़ें जायज़ हैं। अगर छोटा बच्चा है, सफ के अंदर खड़ा हो गया है, तो कोई हरज की बात नहीं। वो हम लोगों ने खामखा एक वो बना लिया है कि बच्चा आखिर में ही खड़ा होगा, सफ के बीच में खड़ा नहीं हो सकता, तो ये मसला पैदा होता है। यानी बच्चे की वजह से हम सफ छोड़ करके आखिर में नहीं खड़े हो सकते, बल्कि बच्चे को लेकर के सफ के दरमियान ही खड़े हो जाएंगे। सफ के अंदर बच्चे का खड़ा होना ये मना नहीं है शरीयत के लिहाज से। ऐसा कोई मसला नहीं है कि बच्चा सफ के अंदर खड़ा नहीं हो सकता, सफ के दरमियान में खड़ा नहीं हो सकता, बच्चे को खड़ा कर सकते हैं। अलबत्त ये कि थोड़ा उसका ये रखें कि बच्चा बीच में छोड़ के जाए नहीं, नहीं तो मसला हो जाता है थोड़ा सा। बच्चे कभी कभी गए और फिर कभी छोड़ के भाग जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, तो वैसा कोई होता है। तो अगर लोग जानते हैं मसले को तो मसला इसमें भी नहीं होता, थोड़ा सा हट जाएंगे, सबको मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं कि जहाँ खड़े हो गए तो अब वहाँ से हरकत करने की हमें कोई गुंजाइश नहीं है, वहीं खड़े रहना है, तो वो जगह खाली रह जाती है। अगर लोग ये मसला समझ लें कि नहीं उसमें कोई हर्ज नहीं है और हट जाते हैं तो वो परेशानी का वो भी मसला नहीं है, बच्चा चला भी गया तो भी मसला नहीं है कोई। लेकिन बहरहाल बच्चे को खड़ा कर सकते हैं बीच में, कोई इसमें पाबंदी नहीं है। जी हाँ, वही वो थोड़ा यही ख्याल करना रहता है, सिर्फ यही ख्याल करना रहता है कि बच्चा इस तरह से ना करे। अगर कर भी लेता है तो बच्चों को उनके बचपन में जीने दो, और ये सोच लो कि कभी हम भी ऐसा करते थे कभी बचपन में हम भी ऐसा किए होंगे। हम बच्चों से क्या चाहते हैं कि हमारे जैसे रहें, तो बच्चे हमारे जैसे कह रहेंगे। बच्चों को उनके बचपन में ही जीने दो ना, बचपन में ही रहने दो। कभी बच्चा इधर से उधर हो गया तो ये मस्जिद में डांटने उड़ने की बातें भी नहीं होती हैं, वो बच्चा है, बच्चे से हुआ कोई मसला नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे थे, आप खुतबा दे रहे थे, बीच में आ गए, आप खुतबा छोड़ के नीचे उतर करके उनको उठा के लेके गए अपनी गोद में जो है। तो बच्चे तो हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि आप जो है उनकी माँ को जाके डांटना शुरू कर दें कि इतना भी ख्याल नहीं कि हाँ बच्चे को भेज दिया, खुतबा दे रहा था मैं, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। बच्चे हैं, बच्चे ऐसे बच्चे, बच्चों से जो मोहब्बत होती है, जो रहमत और शफ़क़त का मामला होता है, ये उसका एक हिस्सा है। हमेशा ये जहन में रखो, बच्चों को बचपन में जीने दो। बच्चों से कभी ये उम्मीद मत करो कि वो बच्चे बड़ों जैसे रहेंगे। वो संजीदगी बच्चों में रहेगी जो बड़ों में रहती है। वो कोई शोर नहीं करेंगे, कोई आवाज़ नहीं करेंगे, समझाएंगे हम अपने तौर पर, लेकिन समझाने में ये बात याद रखें कि बच्चे फिर भी बच्चे ही रहेंगे। समझाने के बावजूद भी एक मरतबा एक ऐसे ही वो कुछ बड़े उलमा की मजलिसें थी, बड़े उलमा थे उसमें और मजलिस थी वो, तो एक साहब आने वाले थे तो बच्चा उनका साथ में था। उन्होंने कहा कि बच्चा मेरे साथ है और मैं बच्चे को लेकर के आऊँगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप बच्चे को लेकर के आ जाइए। आए, बच्चे को लेकर आए, बच्चा भी जो है मजलिस में था। वो बात चल रही थी किसी मामले में, तो बड़ी संजीदगी से बच्चा बैठ के सुनता रहा। बच्चे ने ना कोई शोर किया ना कोई चीज़, तो बीच में पूछते आप कह रहे थे आप बच्चे को लेकर आने वाले हैं, बच्चा कहाँ है आपका? कहा कि यही बच्चा। ने कहा ये तो बच्चा नहीं है, बच्चे को बच्चे जैसे ही जब बच्चा रहता है ना तभी जो है, अगर बच्चा बच्चे जैसा ना रहे तो उसके बच्चे होने में शुभा हो जाएगा फिर जो है। तो बच्चों को उनके बचपन में रहने दो, कहते हैं कभी भी उनसे उनका बचपन मत छीनो, उनको रहने दो उस बचपन में जी। कोई खलल नहीं होता है, जैसे बच्चा है, मैंने आपसे कहा ना छोड़ के अगर चला जाता है, बच्चा हट जाता है, जी हाँ, अगर बच्चा हट जाता है तो मसला होता है। बच्चा अगर है सफ में तो कोई खलल नहीं, वो जैसे बच्चा है वैसे ही पढ़ रहा है और बीच में कोई खलल नहीं है। बच्चे की उतनी ही जगह जितनी बच्चे को चाहिए जगह, और बच्चा बहरहाल थोड़ी बच्चों की शरारत के साथ जो नमाज है वैसे ही पढ़ेगा, उसको वैसे ही पढ़ने दो, कोई बात नहीं। हमको अपनी नमाज
सही करनी है, वो खलल हो उतने खलल को बर्दाश्त कर लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की रोने की आवाज़ को भी बर्दाश्त करते थे, हालांकि इसको बर्दाश्त नहीं करते थे कि आप किरात कर रहे हैं तो पीछे कोई आदमी किरात करे, लेकिन बच्चों की रोने की आवाज़ को बर्दाश्त कर लेते थे, वो कोई मसला नहीं है, बचपन है उनका, उनको रहने दो, उसमें जो रोने की आवाज़ भी आ जाए, थोड़ी बहुत उठने बैठने में शरारत भी हो जाए। याद रख लो, ये शरारत हमेशा कम होगी बच्चे की जब सबके बीच में रहेगा। जब आप उसको वैसे ही छोड़ दोगे तो शरारत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे बाद लोग ये समझते हैं कि बच्चों की सफ़ अलग से होनी चाहिए, सिर्फ बच्चे वहाँ पे खड़े हों, सिर्फ बच्चे खड़े होंगे तो हमेशा शरारत ज़्यादा होगी। ये बच्चे जो बीच में रहते हैं ये सीखते हैं और शरारत कम हो जाती है उसमें, उनको सीखने का मौका भी मिलता है और शरारत भी कम हो जाती है। वो बेहतर शक्ल है कि आप उसको करके, अगर कोई किनारे लेकर के खड़ा है वो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चे की वजह से किनारे खड़े हों और सफ़ में जगह छोड़ देंगे तो नमाज नहीं होगी, बल्कि बच्चे को लेकर के सफ़ में खड़े हो जाएं कोई बात नहीं। बात